स्मृति चिन्ह देकर आज शृंखल देकर सम्मान किया जा रहा है। साथ ही हमारे कोमल सिंह जी का भी सर श्री पर भेंट कर सम्मान करेंगे। डॉक्टर साहब आदरणीय श्री लाल जी जिला पंचायत सदस्य मंच पर आए और आदरणीय जनपद सिंह कुशवाहा इस कार्यक्रम में उत्साहित होकर कुछ बीएसपी के कार्यकर्ता भी आज हमारे डॉक्टर साहब के सामने और ज्ञातिराम हरि बाबू कुशवाहा आप भी अपने रहना है ऐसा ध्यान रखें और अन्य लोगों का भी स्वागत अपने मेहमानों का ही स्वागत कहलाएगा वो भी अपने पधारी हुए मुख्य अतिथि जो अध्यक्षता कर रहे हैं। धनसिंह कुशवाहा पूर्व जनपद सदस्य बिजपुर धनसिंह अशोक कुशवाहा मैं बाद में उनका नाम घोषित करूंगा करण सिंह कुशवाहा करियावली मुन्नीलाल कुशवाहा मेंबर मछंड बाबिन ठकुरी कुशवाहा बसंतपुरा गुट्टी कुशवाहा पूर्व सरपंच नौदा यात्रा मरी ड्यूटी है हमारा प्रयास रहेगा प्रयास का ताकत लगाएंगे ऐसा नहीं है किसी बात को आ जाए तो ये कहा हमारी बात न मानी बात कहते हुए आप सपने से इतने विशाल तादाद में आए हो उसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते अभिनंदन करते वंदन करते कि आज हम लोग यहाँ पर बधाई दे रहे थे सबको कि हम लोगों ने कांग्रेस के चित्रकूट का चुनाव जीत लिया बैजनाथ जी वहां पर थे आदरणीय गोविंद सिंह जी वहां पर थे मैं भी वहां पर रही हूँ। चित्रकूट की जीत कांग्रेस की जीत नहीं है चित्रकूट की जीत हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने मनरेगा में काम किया और आज साल साल भर उस व्यक्ति को उसका मेहनत आना नहीं मिल पाया उसका भुगतान नहीं मिल पाया ये उस व्यक्ति की जीत है। चित्रकूट की जीत सभी सरपंचों की जीत है जिसके अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे सरपंचों से छीन लिया। चित्रकूट की जीत कांग्रेस की जीत नहीं है चित्रकूट की जीत उन बेरोजगार हमारे युवा साथियों की जीत है जिसने सरकार की गारंटी पर लोन लेने के लिए बैंकों के सामने खड़े रहे अपने घर के 10,000 फूक दिए लेकिन आज तक सरकार की गारंटी पर 1,00,000 रुपए का लोन उनको नहीं मिला। सीएम बनेगा तुम्हारा कुशवाहा सीएम बनेगा वोट दो इस तरह का माहौल बना करके उत्तर प्रदेश के सारे कुशवाहा से वोट लिया और जब सीएम की आई तो केशव प्रसाद उनके मुंह पड़े आज भी चेहरेगा कहीं नाम निशान नहीं यही मेरे साथ हुआ था मुरैना की धरती में मेरे भाइयों मैं चुनाव जीतने वाला था सब भारतीय जनता पार्टी के तेल बिहारी बाल पंडे ने मिश्रा में सतीश मिश्रा से साथ गांठ कर मेरा खुलेआम आरोप है मैं मंच से कहना चाहता हूं और कहूंगा केशव मिश्रा ने 5 करोड़ रुपए मायावती जी को दिए और 2 करोड़ रुपए गोविंद सिंह को दिए चुनाव उसको दिए बिंदा सिंह को तुम चुनाव लड़ो बहुजन समाज पार्टी से। सुश्री हिना कामले जी विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद रही आइए हम पूरे कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। विधायक जी आज आपके नेतृत्व में कुशवाहा समाज ने एक बड़ा नेतृत्व आपको दिया है जन समर्थन दिया है क्या कहना चाहिए? आज का जो कुशवाहा समाज का सम्मेलन है वो हमारे नेतृत्व में है वो बालाघाट के विधायक सुश्री हिना कामले जी की और यहाँ के हमारे स्थानीय समाज के नेता उनके द्वारा आयोजित था मुझे बनाया गया था मैंने उनसे संकल्प किए और हम उनको धन्यवाद बधाई देते हैं इतने विशाल पैमाने पर उन्होंने संकल्प किया है तो पूरे प्रदेश में आगामी 2018 में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हाल के ही दम लेंगे पूरे समाज को संकल्प साथी और सभी समाज के लोग मैं उनको बधाई धन्यवाद देता हूँ उनके ही प्रयास से उनके समाज के प्रयास से आज भी कांग्रेस पार्टी की भारी बहुत से लोग हुई है अब कुशवाहा समाज अब कांग्रेस के साथ है तो ये निश्चित है कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पंकजी उड़ते नजर आएंगे। जिस प्रकार यहाँ के लोगों को देखते होंगे कुशवाहा समाज का एक बड़ा यहाँ पर हमला जो समय आपके देखने को मिला है क्या कहना चाहेंगे आपके कुशवाहा समाज के लिए? देखिए आज सबसे पहले तो आज मैं चित्रकूट जो हमारा चुनाव बहुत शानदार रूप से हम लोगों ने चुनाव जीता है इसलिए मैं आज कुशवाहा समाज के सम्मेलन में चित्रकूट
समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बार एक तरफा मतदान कांग्रेस को दिया है। और आज जो लाहौर में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, मुझे भी बहुत इंतजार था कि 12 बजे चित्रकूट का रिजल्ट आया और मैं लाहौर के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और सामाजिक सम्मेलन वो है, तो मुझे इस बात में कहीं कोई दोमत नहीं है कि आज जिस तरीके से कुशवाहा समाज को लेकर आदरणीय हमारे गोविंद चल रहे हैं, इस तरह से कुशवाहा समाज का नेतृत्व चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो चाहे वो जिला स्तर पर हो, जब भी निकल कर आता है उसको उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी है। और जैसा कि उन्होंने आज कहा है कि हर समय